डिसीजन लेने में लचर, निर्णय लेने में बहुत ही ज्यादा निर्णयहीन, जिस तरह से कांग्रेस की आलाकमान है, जरूरी नहीं है कि बाकी सारे लोग भी उतने ही लचर और निर्णयहीन हो। और इसीलिए सचिन पायलट को हनुमान बेनीवाल ने तो अपना ऑफर तुरंत ही दे दिया था, क्योंकि वो जानते थे कितनी ताकत और कितनी शक्ति है उनके पास और कितने कार्यकर्ता और कितनी जनता है उनके पास। लेकिन हनुमान बेनीवाल अकेले नहीं थे, उनके अलावा भी तमाम सारे लोग सचिन पायलट की कहीं ना कहीं वैल्यू जानते हैं, जो आज तक जिनके पास वो हैं वो कांग्रेस आलाकमान नहीं जान पाई। और उनमें प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल भी, यानी कि आम आदमी पार्टी भी। क्या कुछ उन्होंने ऑफर दिया है सचिन पायलट को, किस तरह से उस ऑफर की वैल्यू करी है और क्या सचिन पायलट का उसकी तरफ रुख है, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। और इस पूरे वीडियो में आप ये सब जानेंगे, इसके लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण, जो राजनीतिक खबर के पीछे की खबर आपको बता सके, परत के नीचे की परत आपको बता सके, अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आज हम जो मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो बेहद अहम है। वो सचिन पायलट जो राजस्थान में कहीं पर भी खड़ा हो तो लाखों लोगों की भीड़, बिना किसी सरकारी मशीनरी का उपयोग किए, बिना सड़कों पर सारे होल्डिंग्स भरे, बिना अखबारों में ऐड दिए आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास, भरोसे की वो ताकत है, क्रेडिबिलिटी की वो ताकत है जो लोगों और सचिन पायलट के बीच में है। उनकी वैल्यू कांग्रेस आलाकमान नहीं समझ रहा, ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान के पास आज के दिन पर अगर कोई मैग्नेट है लोगों को लाने वाला, चाहे वो यूपी चुनाव में, राजस्थान उपचुनाव में, हरियाणा में, हिमाचल में, किसी भी जगह वो इस्तेमाल करना हो, तो उनके पास एकमात्र सचिन पायलट ही है, ये वो भी जानते हैं। इंडिया टुडे के भारत भर के सर्वे में सबसे ऊपर सचिन पायलट ही आए थे कांग्रेस के लोगों की पॉपुलैरिटी के मामले में पूरे भारत में। तो वो वैल्यू तो जानते हैं लेकिन करते नहीं है, कुछ मजबूरी की वजह से, लेकिन बाकी सब लोग करते हैं। और ऐसे में जो राजस्थान की राजनीति में अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और जो अब बहुत कम बची हुई नेशनल पार्टीज में से एक है, यानी कि आम आदमी पार्टी, उनका इंटरेस्ट सचिन पायलट में बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, क्योंकि राजस्थान चुनाव में अरविंद केजरीवाल का बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को कैटर करने के लिए, राजस्थान में एक मजबूत स्तंभ पाने के लिए, जिस तरह से भगवंत मान ने पंजाब को आम आदमी पार्टी को दिया, अरविंद केजरीवाल का सोचना है कि सचिन ये काम कर सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, और इसके लिए उन्होंने सचिन पायलट से बिल्कुल बात की है। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने नहीं बात की है तो वो गलत होगा। बहुत ही जो हमारे क्लोज सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की बातचीत सचिन पायलट से हुई है, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से अभी कोई हामी इसके लिए नहीं की गई है, क्योंकि सचिन पायलट बहुत ही मच्योर पॉलिटिशियन है, वो हर चीज़ को बहुत ही नाप तोल के देखते हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि जिस पार्टी को अपना खून और पसीना उनकी पूरी फैमिली ने दिया, उनके पिताजी ने दिया, उन्होंने दिया, वो उसी पार्टी के अंदर काम करें, और कहीं ना कहीं वो लगातार इसीलिए अपनी निष्ठा की हर पराकाष्ठा को पार करके कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं। लेकिन अब जब सब्र के बांध टूटे हैं तो अरविंद केजरीवाल ने उनको संपर्क किया और संपर्क करके साफ तौर पे उन्हें बहुत बड़ा ऑफर दिया, उनको साफ कहा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो जाहिर तौर पर चीफ मिनिस्टर आप ही रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी सारे पैरामीटर्स को सोचते समझते हैं और इसीलिए अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर सी बात है, वो ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस इनके जितने भी करीबी थे वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो आशुतोष हो, सारे करीबियों को अपने से जुदा कर दिया उन्होंने, उनके करियर को ख़त्म कर दिया उन्होंने, और ये सारे फैक्टर्स को भी कंसिडर लगातार वो कर रहे होंगे। और इसीलिए
सचिन पायलट के जो बहुत ही करीबी कार्यकर्ता, बहुत ही करीबी साथी हैं, वो उन्हें लगातार एक ही सलाह दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस इसी तरह से हठधर्मिता पे रही तो वो बजाय किसी और पार्टी में जाने के खुद की पार्टी बनाए और बाहर से गठजोड़ करें किसी भी पार्टी से, ये लगातार उन्हें सलाह दी जा रही है। लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल ने सचिन पायलट से बात जरूर की है और ये बहुत ही क्लोज सोर्सेस बताते हैं कि किसी भी किस्म का कोई भी जवाब लेकिन सचिन पायलट की तरफ से नहीं दिया गया है, ना ही हनुमान बेनीवाल को और ना ही अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि वो अब राजस्थान के 36 कौम के नेता हो चुके हैं। शाहपुरा में जो कल जलवा था, उससे पहले जो जलवा हर जगह सचिन पायलट का दिखता है, अनशन में दिखा, बर्थडे पर दिखा, किसान रैलियों में दिखा, जहां पर भी वो जाते हैं लाखों लोग इकट्ठा कर लेते हैं, उनके पास पद नहीं है, जो मौजूदा सत्ता है वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ चल रही है, उनके पास गवर्नमेंट की मशीनरी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, लेकिन अपना ऑरा और करिश्मा इतना है कि बहुत सारी जनता उनके लिए हमेशा तैयार रहती है और चाहे वो इस बात का इंतज़ार करती है कि सचिन पायलट कोई स्टेप उठाएं तो उनके लिए वो दिल और बाहें खोलकर आगे बढ़ जाए। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आज जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी है। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्क होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।